जी हाँ दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा धमाका आपको देखने को मिलने वाला है आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा में। बता दें दोस्तों कि इस फिल्म को लेकर हर दिन कोई ना कोई बड़ा अपडेट सामने आता ही रहता है। कुछ दिनों पहले एक खबर सामने आई थी कि बॉलीवुड के किंग खान आमिर खान की इस फिल्म में एक कैमे रोल देखने को मिल सकता है, लेकिन इस खबर के वायरल होने का बड़ा सच खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आमिर खान की यह फिल्म उनकी बाकी फिल्मों की तरह क्रिसमस 2021 को रिलीज की जाएगी। इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है, सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन का काम यानी एडिटिंग का काम रह रहा है, जिसे जल्द पूरा कर दिया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी 1947 से शुरू होगी, जिसके बाद ये कहानी भारत में हुए बड़े बदलावों को दिखाती नजर आएगी। वहीं इस फिल्म में हमारे देश से जुड़े कई खास इंसिडेंट दिखाए जाएंगे। इसी कड़ी में फिल्मों से जुड़े बड़े इंसिडेंट्स भी फिल्म का हिस्सा होने वाले हैं, जिसमें कई आपको मज़ेदार ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे, जिसमें किंग खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दबंग खान की मैंने प्यार किया भी शामिल होगी। इस फिल्म में शाहरुख खान, जाज और सलमान प्रेम के अवतार में नजर आने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि इसको लेकर शाहरुख से बात कर ली गई है और सलमान से बात चल रही है। इस फिल्म के साथ ये पहला मौका होगा जब ये तीनों कलाकार एक साथ काम करते हुए एक ही फिल्म में नजर आएंगे, यानी कि एक फिल्म में तीनों खानों से एक साथ फैंस देखकर किस प्रकार से खुश होंगे, क्योंकि ये तो सोने पर सुहागा वाली बात होने वाली है। आपको बता दें कि शाहरुख खान की पठान और आमिर की लाल सिंह चड्ढा एक ही दिन बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है खबरों के मुताबिक। तो वहीं शाहरुख खान की पठान में सलमान खान टाइगर के किरदार में नजर आएंगे। पहले ये कुछ खबरें सामने आई थी, जिस पर मोहर तो नहीं लगी है, लेकिन हाँ खबरें हैं अभी तक। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।